देखिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन हो गया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7a 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। इसको हमको साबित करके दिखाना है, मतलब LHS बराबर RHS आपको करके दिखाना है। इसमें क्या है कि फार्मूला का इस्तेमाल पड़ेगा आपका। फार्मूला में क्या क्या इस्तेमाल पड़ेगा, जैसे देखिए ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला ये सब आएगा। जैसे देखिए क्या है, देखिए आप ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, फिर होगा आपका क्या होगा। हाँ देखिए, ये सेक सेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ ये कॉस एक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका जरूरत पड़ेगा आपको। फिर आपको जरूरत पड़ेगा इसका साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1, फिर आपका ये कॉस ए, क्या लिख दिए, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, और एक फार्मूला ये होता है टेन ए इंटू कोट ए इज इक्वल टू होता है 1। आपको ये फार्मूला पता होगा तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं आप आराम से। अब क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो हम इसको सबसे पहले LHS लिख लेंगे। LHS क्या है हमारे पास, देखिए ये साइन ए, सॉरी ये आ गया, साइन साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस ये इसको हम क्या लिख देते हैं ना, इसको थोड़ा सा ये नीचे लिखते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए फिर हो जाएगा क्या, 2 cos a इंटू सेक ए प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। देखिए तो अब क्या है, ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाता है। तो हम ये नीचे वाला स्टेप में यहां लिख लेते हैं। देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब क्या है, इसको लिखते हैं, देखो 2 sin a into cosec a, ये हो गया। फिर इसको लिख लेते हैं 2 cos a इंटू सेक ए, ये हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक स्क्वायर ए, देखो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर ए प्लस अब क्या क्या हो जाएगा लास्ट में वाला क्या है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इतना का वैल्यू क्या होता है 1। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अच्छा अब देखो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, देखो वहां साइन ए इंटू कोसेक के बराबर क्या है 1, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। फिर आपका 2 देखिए कोसेक ए इंटू सेक ए सॉरी कोस ए इंटू सेक ए, देखो यहाँ क्या है 1, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 1। इसके बाद अब देखिए, अब आपका बच गया कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसको लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस
क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसका, sec स्क्वायर एक फॉर्मूला देखिए वहां क्या है, 1 प्लस एन स्क्वायर ए, थोड़ा सा नीचे हो गया आप नीचे समझना। तो अब देखो क्या होगा, ये तो 1 हो गया, 2 इंटू 1 कितना 2, ये 2 इंटू 1 कितना 2, अब ये 1 मिलकर मिला कितना हो गया 2, अब प्लस में क्या हो गया यहाँ एन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या लिखेंगे कोट स्क्वायर ए। तो देखो एक दो दो चार एक पांच दो कितना हो गया 7 प्लस क्या हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही हमारा क्या हो गया आर एच एस। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, यही हमको करना था। चलिए ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा बढ़िया से। अभी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखो क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। हम आपको स्टेप बता रहे हैं, स्टेप को आप स्लो करके पीछे करके आप देख लीजिएगा, स्टेप ध्यान रखना है इसमें कि कैसे हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपका ये कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है, तो कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल खींच लेना है। आप बना लो वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ, ये बना, चलो ठीक है, वृत्त टाइप का लग रहा है आपको, नहीं लग रहा देखो बढ़िया, मतलब क्या करेंगे वैसा ही बन रहा है। तो ये क्या करें, इसका एक केंद्र होगा, तो केंद्र से जो आप लेंगे ये वाला डिस्टेंस ये कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर, मान लो तो इसका केंद्र ओ है, ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, मीटर लिख दिए, मान लो ये 6 सेंटीमीटर है। अब क्या है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो आपका ये 6 हो ही गया, तो इसी में आप आगे कंटिन्यू करना 4 सेंटीमीटर और, मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर यहां तक आ गया, तो ओ अब इसका नाम दे देते हैं पी। ये कितना है टोटल, कितना हो गया देखो, यहां से यहां तक कितना हो गया देखो, ये यहां से यहां तक जाओगे तो ये 10 हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, अब इस वृत्त पर हमको स्पर्श रेखा बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा ओपी हुआ, इस ओपी को हम दो भाग में बांटेंगे, समद्विभाजित करेंगे। और समद्विभाजित करने का तरीका आपको तो पहले से पता है, क्या करेंगे, कंपास में पेंसिल लगाएंगे, पेंसिल तो आपके पास लगाया हुआ है, कंपास का नोक यहां रखेंगे, अब आधा से अधिक लेकर कैसे काटेंगे, इस तरह से ऐसे काटेंगे, और फिर वही नीचे भी ऐसे काट लेंगे, फिर वही पेंसिल का नोक बगैर चाप बदले, आप यहां पेंसिल कंपास का नोक रखना और पेंसिल से इसको इसको काटने का प्रयास करना, हमारे हिसाब से लगभग कहीं इधर कट करेगा, मान लेते इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिलाने का प्रयास करोगे स्केल से, तो लगभग इधर कहीं कट करना चाहिए। आपको पूरा लाइन ऐसे नहीं खींचना है, आप ऐसे बनाना, ऐसे इस तरह का मिलाकर मिलाने का प्रयास करना, कहीं ना कहीं यहां आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट बना, अब स्टेप, अगला स्टेप क्या करना है आपको, अगला स्टेप में क्या करेंगे आप कि इस बार इसको त्रिज्या मानना है, किसको, मान लो इसको, इसको हम नाम दे देते हैं डी, आपको किसको त्रिज्या मानना है, ओडी को, किसको त्रिज्या मानेंगे बोलो, ओडी को, तो ओडी को त्रिज्या मानेंगे। इस बार क्या करने वाले हैं कि कंपास का नोक आप यहां रखिएगा, कंपास का नोक यहां रखेंगे और पेंसिल यहां होना चाहिए, त्रिज्या मानेंगे और एक वृत्त बनाएंगे इस तरह का, ऐसे वृत्त जैसा तो लग नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए वृत्त है, अब क्या करें, तो ये जो नया वृत्त है ये पुराना वृत्त को कहां कहां कट किया, यहां और यहां कट किया, तो आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से लेकर के, गड़बड़ हो गया जी, वापस शिफ्ट करते हैं देखना, हाँ चलो ठीक है, आप क्या करो कि इस पॉइंट से लेकर के आपको यहां इसको ऐसे मिला लेना है और इस पॉइंट से लेकर के आपको ऐसे मिला लेना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, अब क्या करिएगा यहां नाम दे देना ए और यहां नाम दे देना बी, तो ये जो हमारा ये पी ए, ये आपका पी ए और आपका पी बी हुआ, यही दोनों क्या हुआ, स्पर्श रेखा हो गया, बात समझे कि नहीं। आपको क्या करना है, थोड़ा बढ़िया से स्टेप वीडियो को पीछे करके बढ़िया से देख लेना तुम, समझ गए, तो इसका ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा, स्पर्श रेखा क्या हुआ पीए और पीबी, हमारा ये क्या हो गया स्पर्श रेखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको निकालना है। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा? देखो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। देखो यहां सर्कल क्या बना रहे हैं, घड़ी बना रहे हैं। देखिएगा ये नहीं हुआ बढ़िया, इस बार हुआ। चलो मान लेते हैं यहां इसका सेंटर होगा, मान लो यहां यहां कितना बजेगा 12, यहां कितना 6, यहां कितना 3, यहां कितना 9, यहां कितना 1, यहां 2, 3, 3 तो हो गया, यहां 4 होगा, यहां कितना होगा 5, यहां कितना होगा 7, यहां कितना होगा 8, यहां कितना होगा 10, यहां कितना होगा 11। चलो 11 ही मान लेते हैं उसको। अब क्या है, आपसे बोल रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो अगर मिनट की सुई मान लो यहां से यहां, यहां से 5 मिनट इतना ही होगा लगभग। अब ये वाला जो रीजन है ना, आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो देखो पूरा मिनट की सुई एक चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में कितना, तो सबसे पहले 1 मिनट में निकालो। देखो 60 मिनट में कितना 360 डिग्री, इसीलिए 1 मिनट में कितना 360 बटा कितना 60, इसीलिए कितना 5 मिनट में, इसीलिए 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 360 बटा कितना 60 इंटू कितना 5। अब इसको इसको काट दो, कितना बार में कटेगा, ये 6 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा। अब ये बराबर कितना होगा 30 डिग्री, यानी कि आपसे कितना 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो 30 डिग्री। तो आप यहां लिख देना, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू कितना लिखना, सबसे पहले 30 डिग्री। आर बराबर, आर का काम कौन करेगा, ये 14 सेंटीमीटर, तो ये आर बराबर कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखो 5 मिनट ये वाला एरिया कैसा लग रहा है आपको, त्रिज्यखंड जैसा लग रहा होगा। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसीलिए आप यहां डायरेक्ट लिखना 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा। तो आप यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 ये लगा देंगे। तो पाई का वैल्यू कितना 22 बटा 7, आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू कितना है 14 गुने 14, और फिर थीटा का वैल्यू कितना था ये थीटा का वैल्यू कितना था 30 ना था जी 30 था, ये 30 बटा कितना 360, ये से ये कट गया और 3 से ये कितना बार में कट गया 12 बार में कट गया, और काटना चाहेंगे चलो ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटो 6 बार में कट जाएगा। अब कहां काटें, आपको ये 3 काट देना, 3 से इसको 11 बार में काटना, दैट मींस 11 गुने 14 बटा कितना 3, इसको गुना करोगे फाइनली तो कितना हो जाएगा 154 बटा 3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको देख लो, समझ लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात करें, तो विविक्त कर आपका d निकालना होता है। विविक्त कर मतलब क्या होगा d आपका, फिर क्या है यदि फिर मूलों की प्रकृति मतलब मूल वास्तविक है या काल्पनिक है जो भी है ये बताना पड़ेगा। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना। अब मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है या d का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर होता है। d से जब छोटा मतलब d 0 से छोटा हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवेन इक्वेशन है, देखो ये 4x स्क्वायर है माइनस 4√3x है प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। इसका हम तुलना किससे करेंगे, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उससे तुलना करने वाले हैं। आप लैंग्वेज में क्या लिखना, दिए गए द्विघात समीकरण का
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। ये लाइन आपको जरूर लिखना है, जब वो लाइन आप लिख लेंगे तो आप यहां लिखिएगा a बराबर कितना हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 4 रूट 3 और c बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। अब ऐसा हो जाएगा तो सबसे पहले आपको निकालना है d, सबसे पहले क्या निकालेंगे d फाइंड आउट करेंगे। तो d देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। कितना करने d सबसे पहले निकालो तो d इज इक्वल टू क्या होगा b, b का वैल्यू देखो कितना है माइनस 4 रूट 3 का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, a का वैल्यू कितना है 4 और इंटू c का वैल्यू कितना है 3। तो आपका कितना हो गया देखो, ये 4 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48। अब इसको गुणा करिए तो 16 ये कितना हो गया 48, यानी कि यहाँ g क्या आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया 0। जब d 0 आता है देखो तीन कंडीशन संभव है, पहला d ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन क्या है d इज इक्वल टू 0, तीसरा कंडीशन क्या है d लेस देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो उस कंडीशन में इसका दो वास्तविक और असमान मूल होते हैं, जब d 0 होता है तो दो वास्तविक और समान मूल होते हैं, और जब d लेस देन 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते, तो हम वही लिखेंगे। तो यहां लिखना चूंकि d इज इक्वल टू 0 इसीलिए इस द्विघात समीकरण का दो क्या होंगे वास्तविक और समान मूल होंगे। ये बात जरूर लिखिएगा। अब आपको मूल निकालना है, बोला कि यदि विविक्तकर ज्ञात करें मूलों की प्रकृति, तो विविक्तकर d 0 हो गया, अब मूलों की प्रकृति बता रहा था, तो मूलों की प्रकृति कितना मूलों की प्रकृति कैसा वास्तविक और समान हो गया, मूलों का प्रकृति यही हुआ। अब मूलों का यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, तो मूल ज्ञात करने के लिए आप क्या लिख लेना, तो इसीलिए मूल, मूल कैसे ज्ञात करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, देखो b का वैल्यू कितना था माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस ये क्या d कितना था 0 बटा 2 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 4 रूट 3 बटा कितना 2 इंटू 4, ये 4 से 4 कट गया तो x इज इक्वल टू क्या आपके आया रूट 3 बाय 2। तो यही मूल हुआ इस द्विघात समीकरण का, तो यहां लास्ट में लिखिएगा इसीलिए इस समीकरण का दो मूल कितना होंगे रूट 3 बाय 2 कॉमा रूट 3 बाय 2 होंगे। ये बात जरूर लिखना है, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, तो रूट 3 बाय 2 और रूट 3 बाय 2 देख लो सही इतना ही होगा, बात क्लियर हुआ कि नहीं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, देखिए ये सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, जैसे पढ़ने से आपको लग रहा है कि यह थेल्स प्रमेय है, तो हाँ ये थेल्स प्रमेय है, थेल्स को हम ड्राइंग करते हैं। देखो थेल्स का ड्राइंग के लिए क्या करता है, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, अच्छा सा सुंदर सा ट्रायंगल बनाएंगे एकदम अच्छा दिखने वाला। देखो ये ट्रायंगल बना लिए, अब क्या बोला था कि क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लो इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी, एक भुजा के समांतर है, तो हम बीसी के भुजा के समांतर आपको एक भुजा ले ले रहे हैं, ये जो है ना
थोड़ा सा ऐसा, तो इसका नाम दे देते हैं हम क्या P और इसका नाम दे देते हैं Q। तो BC का समांतर एक भुजा ले लिए PQ। अब क्या कर रहा है कि भुजाओं समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, मतलब AB को P पर और AC को Q पर प्रतिच्छेद किया, तो वो समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब इसका ये अनुपात AP/PB ये बराबर होगा किसके, AQ/QC के बराबर हो जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम यहाँ हमको सबसे पहले गिवेन लिखना पड़ेगा। देखो गिवेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, गिवेन में क्या लिखना वाले हैं हम, देखिए गिवेन में यही लिखना होगा कि मान लेंगे कि ABC एक त्रिभुज है, लिखिएगा क्या आप, हम बोल रहे हैं आप सुन करके इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर PQ एक रेखा है, इतना बात लिखिएगा। फिर जो AB को बिंदु P पर तथा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करता है। क्या लिखे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर PQ एक रेखा है जो AB को बिंदु P पर तथा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। इतना आपको गिवन में लिखना पड़ेगा। अब तो ये लिख लीजिए। अब आपको प्रूफ दैट में क्या करना है, प्रूफ दैट में क्या करेंगे, हमको प्रूफ दैट क्या करके दिखाना है, AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, यही ना करना है, यही करके दिखाना है। आपको थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा कि यहां इस पॉइंट से लेकर के आपको यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और इस पॉइंट से, थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, देखो ये जो क्यू है ना, यहां से आपको एक यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बी से लेकर के इसको, ये क्यू को मिलाइए, अब ये पी से लेकर के आप इसको मिलाइए, समझ गए, इतना आपको कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ये लिखिएगा कि अच्छा इसका नाम भी दे दीजिए, इसका मान लो कि नाम दे दिए हम M, इसका नाम दे दिए N। आप क्या लिखिएगा कि PM लंब किस पर, AC तथा QN लंब AB खींचा। ये क्या लिखिएगा आप कंस्ट्रक्शन में, PM लंब किस पर, पूरा AC है ना, AC, Q या यहां तथा लिख देना, तथा QN लंब क्या AB खींचा तथा किसको बताओ, ये तथा यहां मत लिखे, दो गो तथा हो गया, यहां और लिखना किसको किसको मिलाए, BQ और PC को मिलाया, और BQ, PC को मिलाया, इतना हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको प्रूफ में चलना है। तो आप प्रूफ में क्या क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस ट्रेंगल का एरिया निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल APQ। देखो हम यहां लिखा निकालने वाले क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल APQ। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इसका आधार हो जाएगा आपका AP और ऊंचाई क्या हो जाएगा QN। तो हम यहां लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या लेंगे AP और ऊंचाई क्या लेंगे QN हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेंगल किसका, देखो यहां ध्यान से देखना PBQ ये निकालना, PBQ ये निकालेंगे, इतना बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा इसका आधार तो आप PB ले लोगे लेकिन ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई इसका QN होगा, ध्यान रखिएगा ये PBQ के लिए भी ऊंचाई क्या लेना है आपको QN ही लेना है। तो आधार, इसका आधार क्या ले लेंगे, गुना गुना यहां साइन देना होगा आपको, गुना दे दीजिएगा, गुना इसका आधार क्या हो जाएगा PB गुना इसका ये QN हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम क्या दे देंगे 2। अब क्या करना है कि दोनों का रेशियो लेना है, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो लेना है। तो आप यहां क्या लिखेगा
चेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है पी बी क्यू ना, पी बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना एक बटा दो गुने ये पी बी गुने क्यू एन बटा एक बटा दो गुने, फिर इसको क्या लिखेंगे, ओहो ए पी इंटू क्यू एन होना चाहिए था ना, चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ होना चाहिए था ए पी, ए पी इंटू क्यू एन और एक बटा दो गुने यहाँ क्या लिखेंगे पी बी इंटू क्यू एन। अब देखिए कुछ कुछ यहाँ से कटेगा, एक बटा टू से एक बटा टू कट गया, क्यू एन से क्यू एन कट गया, तो इतना बराबर क्या हो गया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखना सभी लोग, चलो ठीक है। अब इसको इसको क्या लिखेंगे, यहां देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन पी बी क्यू इज इक्वल टू क्या आया ए पी बटा पी बी, इसको इक्वेशन नाम आप थ्री दे देना। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, ड्राइंग को थोड़ा हम नीचे लाते हैं, देखना दोबारा ड्राइंग देखना, देखो अभी क्या किए थे हम कि ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकाले थे और पी बी क्यू का निकाले थे, उसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं ए क्यू पी, वही त्रिभुज है, ए पी क्यू बोलो या ए क्यू पी बोलो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपका ये वाला इन्वॉल्व हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, उधर से कटे करोगे तो इसका में ये वाला हाइट कटेगा, इसका वाला ये हाइट ले लेंगे और इस त्रिभुज का लेंगे तो ये वाला हाइट ले लेंगे, कहने का मतलब कि ए क्यू पी का आप जब क्षेत्रफल निकालोगे तो पी एम इसका ऊंचाई लेंगे और ए जो देखो यहाँ सी क्यू पी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका भी ऊंचाई क्या ले लेंगे पी एम ले लेंगे, तो इस तरह से आपका पी एम जो है ना एक बटा दो जो है ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो आप सिमिलरली करके लिखना, जैसे आपको इतना सॉल्यूशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली क्या लिख लोगे, देखो सिमिलरली लिख लेना है आप कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या लिखेंगे, देखो देखो हम यहाँ यहाँ ये ड्रॉइंग हम फिर से थोड़ा सा आप लोगों को सहूलियत के लिए बना दे रहे हैं, ये ऐसे था यहाँ ऐसे था, यहां से ये ऐसे था, ये ऐसे मिला हुआ था, ये ऐसे मिला हुआ था, तो ये ए ये बी था और ये क्या था सी था, ये पी ये क्यू था और यहाँ एम था और यहाँ एन था, ये तो होता यही था ना, देख लो ध्यान से, कोई ड्राइंग तो बदला नहीं ना है, हाँ ठीक है चलो बार बार हम ऊपर नीचे नहीं करते रहेंगे, तो देखो ये ए क्यू पी लिखिए या फिर ए पी क्यू दोनों बराबर ही है, अब फिर आपको क्या लिख लेना है पी या क्यू सी पी लिखिए या पी क्यू सी लिख दीजिए, पी क्यू सी इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आधार ये वाला हो जाएगा ए क्यू बटा इसका आधार क्या हो जाएगा क्यू सी, ये ऐसे हो गया, इसको आप इक्वेशन फोर दे देना। अब देखो नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम था, नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम क्या था कि वैसे त्रिभुज जो एक ही बेस मतलब एक ही आधार पर बने होते हैं और एक ही समांतर रेखा के बीच में जब बने होते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, तो आप यहां ध्यान से देखिएगा दो त्रिभुज हम मार करके दिखा रहे हैं, देखो बी पी क्यू या पी क्यू बी जो भी याद करना, देखो पी बी क्यू लिखे हम पी बी क्यू लिखे हैं, यानी कि पी बी क्यू ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल और पी क्यू सी मतलब ये वाला ट्रेंगल, देखना दोनों का आधार क्या है पी क्यू और दोनों किस पैरेलल रेखा के बीच स्थित है, देखो ये पी क्यू और बी सी इसी के बीच दोनों स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, यहां देखना हम आपको बोल के बता रहे हैं लिखेंगे नहीं, देखो ये क्या लिखना है आपको कि वैसे त्रिभुज जो एक ही आधार पर बने होते हैं तथा एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, ये लाइन यहां जरूर लिखिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ये देखो पी बी क्यू, पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, ये पी क्यू सी, पी क्यू सी, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर। अब इसको इक्वेशन आप क्या नाम दे दीजिएगा, फाइव। अब आप देखो तीन चार पांच से देखो, इसका एलएचएस में ए पी क्यू, इसका भी एलएचएस में ए पी क्यू है। देखो ये पी बी क्यू और ए पी क्यू सी को अभी हम यहां बराबर कर दे रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थ्री फोर एंड फाइव, इक्वेशन तीन चार पांच से देखो, ये तीनों का ये एलएचएस और ये एलएचएस बराबर हो जा रहा है, इसीलिए हम यहां लिख सकते हैं कि यानी कि एलएचएस बराबर हो गया दोनों इक्वेशन का, मतलब ये वाला बराबर हो गया, तो हम ये वाला बराबर ये वाला लिख सकते, क्योंकि देखो ये और ये बराबर हो गया और ये दोनों को बराबर हम यहां इक्वेशन फाइव में दिखा दिए, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एपी बटा पी बटा पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी, यही हमको साबित करके दिखाना था और यही हम साबित करके दिखा दिए। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप देख लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपका ऊंचाई और दूरी से सवाल है ना। तो देखना हम इसका ड्राइंग बना रहे हैं, कैसे करेंगे देखो, हम इस सबसे पहले देखो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है इसमें ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ड्राइंग सही से बना लिए आपका सारा काम हो जाता है। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा भवन बना लो एक, मान लो ये हमारा ए और बी, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हुआ। अब इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, तो केबल टावर बहुत बड़ा टावर होगा, इसके बगल में एक हम केबल टावर सपोज करो बना ले रहे हैं। देखो यहां ये हमारा केबल टावर हुआ, तो इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण यानी कि यहां से लेकर के आपको यहां तक बनाना है, तो ये इसका शिखर हो गया। तो यहां से उन्नयन कोण कैसे बनेगा, जब तक आप हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचोगे, ये वाला लाइन ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा, तो उनियन कोण ऐसे बनता है। ये उनियन कोण कितना है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का उनियन कोण कितना है, ये आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो अब और ये बोल रहा है कि इसी के शिखर से ये केबल टावर के पाद का अवनमन कोण यानी कि यहां से लेकर के आपका ये वाला, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, देखो ये यहां से लेकर के यहां तक आपका कितना है, ये अवनमन कोण बना, अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो थोड़ा सा इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसको इसको मिला दो अब, ठीक है। तो अब इसका भी नामकरण करेंगे, तो नामकरण ए बी हो गया, इसको देते हैं सी, इसको देते हैं डी और इसको दे देते हैं ई। तो देखिए आप, अब अगर ये देखो क्या है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा आपका, ये देखो ये दोनों पहले, अब ये एंगल 45 है, तो ये एंगल मिला करके तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आपका हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, समांतर है, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो ये ड्रॉइंग इसका बन गया, ड्रॉइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बोला है आपसे कि ये 7 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। चलिए ठीक है, अब इस तरह का ड्राइंग बनाने के बाद हम जब ऐसा मल्टीपल एंगल होता है, तो मल्टीपल एंगल के केस में हम क्या करते हैं, उस ट्रेंगल से शुरुआत करते हैं जिस ट्रेंगल में एंगल 45 डिग्री हो, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए इस ट्रेंगल में एंगल कितना है, 45 डिग्री है, हम शुरुआत करेंगे किस से, एन ट्रेंगल। अच्छा आपको कुछ कुछ बात भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए इसको बताना पड़ेगा कि ए बी एक भवन है जिसका ऊंचाई 7 मीटर है, तथा ये डी सी एक हमारा क्या है, केबल टावर है। तो यहां लिखिएगा आप, देखो क्या लिखेंगे, माना कि
कौन है ए बी ना, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है तथा ये जो हमारा डीसी है, डीसी एक केबल टावर है। हमको डीसी, हमको केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, यानी कि हमको डीसी फाइंड आउट करके दिखाना है। अब शुरुआत कर रहे हैं इन ट्रायंगल, किससे शुरुआत कर रहे हैं बोलो, ए सी बी से शुरुआत कर रहे हैं। क्यों, अभी आपको बताया था कि उस ट्रायंगल से शुरुआत करना है जिसमें एंगल 45 डिग्री रहेगा। अब इसमें क्या लगा दो, टेन 45 लगा दो, टेन 45 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं। अब टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, ए बी का वैल्यू कितना है 7, अब बटा बी सी, यानी कि आपको यहां से बी सी इज इक्वल टू कितना मिल गया 7। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बी सी अगर आपको ये 7 मिल जाता है, देखो ये अगर आपको 7 मिल गया तो ये वाला, अच्छा अच्छा कलर नहीं है ये, अच्छा कलर नहीं है, अच्छा कलर नहीं, कौन सा ये वाला, देखो ये वाला करके देखते हैं, ये आपको कितना मिल गया 7, तो अगर ये 7 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको सहूलियत होगा, देखो ये 7 हो गया, ये 7 मिल गया, अब आप इस ट्रायंगल में चलो ए डी ई में चलो, यहां लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, किस में चलेंगे बोलो, ए डी ई, ए डी ई, तो इसमें आप फिर से आपको टेन 60 लगाना है, लगा दो, ये टेन 60 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए आप, टेन 60 बराबर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और उसके नीचे वाला क्या हो जाता है बेस, ये क्या हो जाएगा टेन 60 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी ई बटा ए ई लिख सकते हैं, तो ए ई, तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है आप बताइए, टेन 60 बोलो, ये टेन 30 वन बाई रूट थ्री और टेन 60 रूट थ्री, इसी में लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो डी ई, डी हमको नहीं पता है तो डी ई को डी छोड़ेंगे, और ए ई का वैल्यू देखो कितना है 7, तो यहां से यहां यहां इसके बाद यहां देखिए लिखते हैं, तो यहां से डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, इसको इसको गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 7√3। अब एक बात आप नोटिस कीजिए कि ये जो केबल टावर है ये किसे किसके मिलकर बना है, ये जो सी ई और ये डी ई से मिलकर बना है, यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमको केबल टावर की ऊंचाई मिल जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा बताइए आप लिख सकते हैं कि नहीं, कि डी ई प्लस ई सी, अब डी का वैल्यू अभी फाइंड आउट किए हैं 7√3 प्लस ई सी का वैल्यू देखो कितना है, ई सी, ई सी कितना होगा देखो, ई ई सी कहां से आ गया जी, हाँ ई सी तो आया है, तो ई सी बराबर कितना है देखो 7 है, ये तो पहले ही भी पता चल गया था, तो अब ये अब इसमें से क्या कर लेंगे आप 7 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा आपका, समझ गए, तो ये 7√3 + 1 क्या आ गया, ये केबल टावर ऊंचाई, लास्ट में यहां जरूर लिखेंगे क्या है आपका केबल केबल टावर की ऊंचाई बराबर कितना 7√3 + 1 मीटर, लास्ट में ये आंसर हो जाएगा आपका, तो आप इसको देख लीजिए बढ़िया से। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर जो ऊंचाई वाले एक शंकु के छिना का आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 14 सेंटीमीटर है और कितना है 2 सेंटीमीटर है, इस ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिएगा ये छिना कैसा रहता है, छिना किस तरह से रहता है, देखो
इस तरह से यस ये कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं, ये छिनक है। इसका ये ऊंचाई होता है, ये आपका आर वन होता है, ये क्या होता है आर टू होता है, ये ऊंचाई हो गया एच। तो आप ध्यान से देखो बड़ा वाला व्यास, बड़ा वाला के यानी कि ये डी वन कितना दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो तो ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से आर वन बराबर कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा डी टू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, देखना व्यास ने बोला है दोनों सिरों के व्यास तो 2 सेंटीमीटर, तो यहां से आर टू कितना हो जाएगा ये 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे अच्छा एच भी बोला है तो एच कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करने वाले हैं हम इसका धारिता मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो इसका आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर क्या हो जाता है 1/3 πh इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू ये हो जाता है। तो क्या करेंगे 1/3 पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, एच का वैल्यू देखो कितना है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आर वन का स्क्वायर तो आर वन कितना है 7, 7 का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर करो प्लस 7 इंटू 1 कर लो, ये इससे ये कितना बार में कटेगा ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो गया 22/3। इसका सॉल्यूशन करिएगा तो ये 7 ये कितना हो गया ये 49 हो जाएगा, सॉरी ये 49 हो जाएगा 49 + 1 प्लस कितना 7 तो कितना हो जाएगा 49 × 1 = 50 और 7 कितना हो गया 57 तो 22/2 गुने कितना हो गया 57। अब इससे इसको काट दो कितना बार में 19 बार में तो फाइनली क्या हो जाएगा 22/2 × 19। इसको गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उतना ही, ये गुना करने के बाद गुना करके जो आंसर आएगा उतना ही आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। आप गुना करके लिख लीजिएगा इतना तो गुना कर ही सकते हैं आप। तो यही इसका धारिता, ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखो इसका माध्य निकालना है ना, तो माध्य निकालने का एकदम आसान तरीका हम आपको बता दे। देखो ये सॉल्यूशन है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्लास इंटरवल जो है ना जहां से लास्ट हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले सी आई का टेबल बनाते हैं। अच्छा देखो ये भी कभी कभी इसको भी निंदाने लग रहा है, सी आई का टेबल बनाते हैं। तो सी आई में क्या है 100 से लेकर के कितना है 150, फिर 150 से लेकर के कितना है 200, फिर कितना है 200 लेकर से लेकर के 250 है 250। अब देखो 250 से लेकर के कितना है 300, अब 300 से लेकर के कितना है 350, ये हमारा सी आई हो गया। अब जो है हमको एफ आई का टेबल दिया हुआ है, ये कितना है ये 4, ये 5, ये कितना है 12, ये 2, अब ये कितना है 2। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम सबसे पहले एक्स आई तैयार करते हैं। चलो एक्स आई, एक्स आई कैसे तैयार करते हैं, इसको इसको जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो ये किसको इसको जोड़िए तो 150 100 250 हो गया, 250 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 125। चलो ठीक है 125 हो गया। अब ध्यान देखिएगा ये अगर ये रेगुलर है तो इसका हाइट देखो ये कितना है 100 से 150 है, तो 50 का डिफरेंस है तो h, अब उतना ही जोड़ जोड़ के आपको लिखते जाना है। 125 में 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 175, 175 में 50 जोड़ोगे तो 225 हो जाएगा, 225 में गलत हो रहा है क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ठीक है 225 हो गया, 225 में 50 जोड़ो आप कितना हो जाएगा 275, और 275 में 50 जोड़ो आप कितना हो जाएगा 325। आपके पास बहुत सारे मेथड है, आप डायरेक्ट मेथड से गुना करोगे, डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालोगे तो इसको इसको गुना करना पड़ेगा, लेकिन हम थर्ड वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। आपको बोला नहीं है आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो हम यहाँ यू आई निकालेंगे। यू आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। देखो अब इसमें से किसी ए ग्रुप को ए मानना पड़ेगा, तो हम बीच वाला को ए मान लेते हैं, तो इसको आप ए मान लो, इसको हम ए मान लिए। अब क्या करना है एक्स आई का टेबल में से ए करना, यानी कि 125 में से आपको 225 घटाना पड़ेगा। आपको कितना मिल गया 125 में से 225 घटाओगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में आपको एच, एच इन लोग दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को एच बोलते हैं। तो एच का वैल्यू कितना है 50,
इसको इसको घटाओगे 125 में से 225 घटाओगे तो -100 आएगा, -100 में अगर आप 50 भाग दोगे तो -2 आएगा, ध्यान से करके देखना। अब 175 में से आप 225 घटाओगे तो 50 आएगा, 50 में 50 से भाग दोगे तो -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, आप करके देखना। अब आप यहां एक टेबल ये निकालिएगा एफ आई और यू आई, तो ये निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे। तो एफ आई और यू आई निकालना है, यानी कि 4 2 से गुना करो तो ये कितना होगा -8, 5 से 1 में गुना करो तो -5, ये हो गया आपका 0, ये कितना हो गया 2 से, तो ये 2 हो गया। अब इससे गुना करोगे तो कितना हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे लिख दे रहे, ये 2 और ये कितना हो गया आपका 4। तो अब जो है आपका मटेरियल तैयार हो गया। आप यहां एक ध्यान से देखना, इसको एक निकालना भूल गए हम, एफ आई इसको जोड़ो, एफ आई निकालो, जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, हो जाएगा 4 4 8 12 20 5 25, यानी कि आपका ये कितना होगा 25। आप इसको जोड़ो सिग्मा एफ आई यू आई, तो ये जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो ये 4 2 6, तो -2 और 5 कितना, ये -7 आ जाएगा। अब जोड़ के देखो 4 2 6 हुआ, 8 तो -2 यहां बचा, -7 हो गया। अब माध्य बराबर निकाल देंगे, तो माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू क्या एच। तो ए का वैल्यू कितना है 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना वैल्यू कितना है -7 बटा कितना 25। इसका वैल्यू देखो आप, इसका वैल्यू देख लो, इसका वैल्यू कितना है 25, देखो सिग्मा एफ आई और इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 50। तो देखो ये ऐसे रहेगा, इसको इससे दो बार में काट देंगे तो इज इक्वल टू 225 माइनस कितना हो गया 14, और 25 में से 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, घटा लो 5 में से 1 यहाँ हो गया, 2 में से 1 गया आपका 1 बचा, अब ये 211। इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे माध्य बराबर 211, समझ गए। तो इस तरह से आपका 1900 क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप क्या करिएगा, आपको जिस भी टॉपिक पर डाउट होगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। तो अब इतना ही पर हम इस क्लास को यहीं आप बाइंड अप करते हैं, और क्या करेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग उत्साह बढ़ता है, हम लोग और अच्छा अच्छा वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।